नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज की फाइनल अपडेट और फाइनल रिपोर्ट के बारे में। किसान साथियों, हमारे पास फाइनल अपडेट और फाइनल रिपोर्ट अपडेट होकर आ चुकी है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी सटीक से बताऊंगा। किसान साथियों, आज का जो माहौल है वो कैसा देखने को मिला है, कितनी उछाल के साथ देखने को मिला हुआ है, चलिए किसान साथियों जान लेते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में। किसान साथियों, इंदौर मंडी का जो माहौल है वो कैसा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, उससे पहले अनुरोध है आपसे, अगर आपने हमारे ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। किसान साथियों, मेरा नाम है अनुराग, आप देख रहे हैं अपने छोटे भाई का यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अनुराग। किसान साथियों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं आवक के बारे में। किसान साथियों, आवक की अगर बात करें तो इंदौर मंडी में आवक बहुत कम नज़र आना स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसे में आने वाले समय में और ज़्यादा तेजी के आसार बनने स्टार्ट हो चुके हैं। और किसान साथियों, अगर आज फाइनल रिपोर्ट की आवक के बारे में बात करें तो 30 से लेकर 35,000 कट्टे की जो आवक है वो किसान साथियों आज के दिन देखने को मिली है। पूरे दिन की, मतलब सारे दिन की जो फाइनल रिपोर्ट है वो हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है। वहीं पर किसान साथियों, अगर लेवाली की बात करें तो लेवाली में आज कमजोश नज़र आया है, कमजोश देखने को मिला हुआ है। सुपर वाले प्याज की बात करें किसान साथियों, तो 2200 रुपये से लेकर 2400, एक दो लॉट किसान साथियों 2500 रुपये तक के भाव में देखने को मिला हुआ है। वहीं पर मीडियम माल की अगर बात करें तो 1700 रुपये से लेकर 2100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। और किसान साथियों, बात करते हैं गोल्टा माल की, तो 1100 रुपये से लेकर 1600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला हुआ है। किसान साथियों, अगर बात करें छोटे छठहन मिक्स प्याज की, तो जो छोटा प्याज है, छठहन प्याज है और जो मिक्स प्याज है, ये किसान साथियों इंदौर मंडी में आज के दिन 500 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला हुआ है। ऑल ओवर मंडी की अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति किसान साथियों आज के दिन सामान्य देखने को मिली हुई है।